morning to all of you. Welcome back in DDS group of institution. Today we are going to learn a new chapter of spoken English. दोस्तों आज हम एक ऐसा चैप्टर सीखने जा रहे हैं जिसमें हम बिना ग्रामर जाने सिर्फ वर्ड पावर के पावर से स्पोकन करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे वाक्य जिसमें हम सम टाइम एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि इसमें क्या जाता है या हम बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने राइट डाउन किए हैं, आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, यू कुड राइट डाउन, आप हमारे साथ इसको राइट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे पहला सेंटेंस है किसी कार्य को करने में क्या जाता है, दूसरा है देखने में कुछ नहीं जाता है। जैसे सम टाइम मान लीजिए कि कहीं पर कोई सेल लगी हुई है और आपने कहा नहीं सेल में कोई खास चीजें नहीं मिलती हैं, तो आपको कोई आपके फ्रेंड हैं वो आपको कहते हैं कि अरे देखने में क्या जाता है, लोग तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट कि सम टाइम हम इस तरह की बातें इस तरह के कम्युनिकेशंस को इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। सो दोस्तों दूसरा सेंटेंस हमारे लिए सुनने में कुछ नहीं जाता है, जैसे कि हम किसी की बातें अगर सुनना नहीं चाह रहे हैं एंड अदर पर्सन हूएवर इज विद मी ही इज और शी इज इंसिस्टिंग टू मी That you must listen. आपको जरूर सुनना चाहिए, आखिर सुनने में जाता ही क्या है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं सुन लूँ कुछ तो मेरे शरीर में लग जाएगा। इस तरह के कन्विंसिंग कोई करता है तो उसमें इस तरह के वाक्य आते हैं, सुनने में क्या जाता है। फिर बोलने में क्या जाता है, ठीक है, मीन्स हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है लेकिन हमें रिश्ते बनाकर चलने हैं, दैट्स वाई मीन्स हमारे गार्जियन या हम किसी को भी कहते हैं कि आखिर बोलने में क्या जाता है, कहाँ ये मेरे घर ही आ रहे हैं या मेरा खर्चा चला रहे हैं। इस तरह की बातें समटाइम हम आपस में करते होंगे। दोस्तों फिर उसके बाद देखिए करने में क्या जाता है, कोई भी काम है मीन्स हमें नहीं आता, सपोज कि मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत टिपिकल टास्क है और मुझे नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगला भी ट्यूशन पढ़ रहा है, तो हमने कहा कि नहीं वो टीचर तो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत पिटाई करते हैं, तो हमने क्या कहा कि ये देखने में क्या जाता है, मीन्स एक बार हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स मैं तैयार नहीं हो रही हूँ तो मेरी फ्रेंड मुझसे क्या कहेगी कि करने में क्या जाता है यार, एक बार करके तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली लोगों ने ऐसा तो नहीं कि टीचर के बारे में एक रूमर बना दिया हो कि मीन्स ही इज वेरी स्ट्रिक्ट लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट कि करने में क्या जाता है, इस तरह के वाक्य हम इस जगह पर बोल सकते हैं। दूसरा देखिए सम टाइम हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं, उनसे बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो शायद आप पर डे सुबह से शाम तक आपस में बातचीत करते हुए लिखते पढ़ते जरूर बोलते होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, इवन देन आप मूवीज देख रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या नॉवल पढ़ रहे हैं, मैगजीन में कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस तरह के वाक्य जरूर आते होंगे जब किसी से भी हम डायलॉग्स कटिंग की बात करते हैं। तो चलिए हम किस तरह से इसे ट्रांसलेट करते हैं ये यहाँ पर मैंने आपको राइट डाउन कर दिया, बहुत आसान है। दोस्तों जैसे सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं कि किसी कार्य को करने में क्या जाता है, तो बहुत आसान है दोस्तों कि जब भी कभी हमें ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड हमारा क्या लिखा हुआ है, क्या, ठीक है। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चनिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले व्हाट यूज कर देना है, फिर जस्ट उसके बाद देखेंगे हम रूल में उसके जस्ट बाद में गोज लगाना है, ठीक है ना, क्या लगाना है, गोज लगाना है, क्योंकि हमेशा हम सिंगुलर नंबर की ही बात कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। फोर्थ गोज, उसके बाद हमें टू लगाना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्ब हमने ऐड किया हुआ है, तो सेकंड वर्ब यूज करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटिव बनाते हैं दोस्तों। तो मीन्स किसी कार्य को करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू डू एनी वर्क। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, फिर देखिए इसी के आधार पे हम दूसरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, क्या बीच में आया है, क्वेश्चनिंग वर्ड को हमें सबसे पहले लगाना है दोस्तों। तो देखिए सिंपली हमने कर दिया व्हाट गोज, देखिए वहां रूल लिखा हुआ है क्वेश्चनिंग वर्ड गोज प्लस टू प्लस वर्ब, ठीक है, व्हाट गोज टू स्पीक, आसान हुआ ये। ऐसे ही देखिए दोस्तों जब कभी भी हम ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे जहाँ पर क्या आएगा और कहा जाए करने में क्या जाता है, तो आपको ये ट्रांसलेशन करके दिखाना है कि किस तरह से हम करेंगे। यहाँ मैं आपको रूल मेंशन कर दूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग वर्ड लगाना है, फिर आपको गोज लिखना है,
फिर आपने टू लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है दोस्तों। तो आपको अगर ये रूल समझ में आया तो निश्चित रूप से ये ट्रांसलेशन आप करके जरूर दिखा देंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं कि देखने में कुछ नहीं जाता। समटाइम ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें हम कहते हैं में कुछ नहीं जाता है, वहां पर क्या नहीं आता, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस को करने के लिए सबसे पहले हम एम यूज करते हैं, मींस नथिंग यूज करते हैं, जहां पर कुछ नहीं की बात की जाती, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे नथिंग। फिर उसके बाद देखिए सेकंड वहां रूल मैंने लिखा हुआ है गोज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हम लगाते थे एज इट इज लगाना है, नथिंग गोज टू सी, ठीक है। नेक्स्ट है सुनने में कुछ नहीं जाता है, क्या हम करेंगे, बहुत सही आपने एकदम सही जवाब दिया है, नथिंग गोज टू, सुनने में कुछ नहीं जाता मीन्स लिसनिंग, ठीक है। इसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उनसे बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू हैव टू ट्रांसलेट इट, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। सिर्फ मैं आपको एक रूल लिख करके दे देनी हूँ दैट हाउ विल यू ट्रांसलेट इट। एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों, आपके रोज प्रॉब्लम जो फेस करते हैं आप स्पोकन करने में वो आपकी शॉर्ट आउट होने वाली है। तो उनसे बात करने में कुछ नहीं जाता है किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले हमें नथिंग लगाना है दोस्तों, ठीक है। प्लस हमें गोज करना है, प्लस टू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये आपका रूल है दोस्तों। आई होप कि आप आसानी से कर लेंगे, और अगर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, एक छोटा सा रूल जो आपकी लाइफ में एक नया चेंज लेकर के आएगा वो आपको यहाँ बताने की पूरी कोशिश की गई है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लासेस समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास ये जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज के द्वारा आप बताएं। आपके बहुत सारे मैसेज हमें मिलते रहते हैं, जैसे व्हाट्सएप नंबर पर मिलता है, फेसबुक पर मिलता है, तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा मोटिवेशन हमें दे रहे हैं। लेकिन आप यूट्यूब चैनल पर भी हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप मुझे एक कमेंट दीजिए कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ कमियां हैं तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं जिससे हम सुधार करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर क्लासेस एंड वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।